जय श्री महाकाल। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार अकाउंटिंग गुरु में। बेटे अकाउंटिंग गुरु में आज हम डिस्कस करेंगे आपका एक बहुत प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखा जाए आपके मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग की बात करता है। आपकी किसकी बात करता है? मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग की बात करता है। अब आप कहोगे कि सर मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? जब आप एसेट्स के डेप्रिसिएशन की बात करते हो तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द फिक्स टेंजिबल एसेट्स। और इसमें आप जो एंट्री भी करते थे वो एंट्री क्या करते थे? आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जब आप क्या डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते थे तो आप क्या एंट्री करते थे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, यही करते थे ना। और आप इसको अपने बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? भाई मान लीजिए ये आपका एसेट साइड है तो आपका जो एसेट्स बैलेंस होता था इस एसेट्स बैलेंस से आप अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या करते थे, अमाउंट क्या करते थे, माइनस करते थे और जो बैलेंस आता था वो आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाता था। लेज़र में भी यही करते थे, है ना। लेज़र में भी हम लोग बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी जब फाइंड आउट करते थे तो सीडी फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे हम? जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट है या जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है उसमें से हम डेप्रिसिएशन घटाते थे तो आपका बैलेंस सीडी आ जाता था, सही है। लेकिन जब आप प्रोविज़न की बात करोगे, जब आप किसकी बात करोगे? प्रोविज़न की बात करोगे तो प्रोविजन में आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? आपका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है, भाई एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी, यानी डेप्रिसिएशन तो आपको चार्ज करना पड़ेगा। बस अंतर क्या है कि आपको एसेट्स को ना क्रेडिट करके, बल्कि क्रेडिट किसको करना है? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। किसको क्रिएट करना है भैया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करना है। यानी जब आपका डेप्रिसिएशन का बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा आपके कहाँ पे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। समझ में आ गया? तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखो प्रभाव क्या पड़ेगा आपकी बैलेंस शीट पे? प्रभाव ये पड़ेगा कि जब आप एसेट्स की बात करोगे तो एसेट्स आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाया जाएगा। एसेट्स आपका ऑलवेज क्या दिखाया जाएगा बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से डेप्रिसिएशन तो माइनस हो ही नहीं रहा है। तो आप कहोगे कि सर ये प्रोविजन कहाँ जाएगा? भाई प्रोविजन देखा जाए तो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी ही तो है। आप क्या कर रहे हो? प्रोविजन क्यों, हम क्यों बनाते हैं प्रोविजन? इसलिए ना, ताकि फ्यूचर में हमको एसेट्स को क्या करना है? रिप्लेस करना है ना। तो आप क्या कर रहे हो कि अपने प्रॉफिट का पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा डेप्रिसिएशन के रूप में काट रहे हो और उसको पैसे को फिर आप प्रोविजन में क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो। इसका मतलब आप इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को किस साइड दिखाओगे? लाइबिलिटी साइड दिखाओगे। किस साइड दिखाओगे बेटा? लाइबिलिटी साइड दिखाओगे। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी आपका जो एसेट्स है वो जैसा है वैसे का वैसा दिखेगा, और जब आप प्रोविजन की बात करोगे तो ये प्रोविजन आपका किस साइड दिखाया जाएगा? लाइबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये पहला मेथड होता है और ये आपका क्या होता है बेटा? दूसरा मेथड होता है। समझ में आ गया? जरा लिखिए स्टार देके, स्टार देके लिखिए, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, पहला मेथड क्या है आपका? बाई चार्जिंग, बाई चार्जिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट
by charging depreciation amount into assets account. लिख लिया। अब दूसरा पॉइंट लिखिए जरा, दूसरा पॉइंट लिखिए बेटा जल्दी से। बाई क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट by creating provision for depreciation account। लिख लिया बेटा। अब एक काम करेंगे, ये जो ऊपर मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं इनको इनके नीचे आप नोट कर लीजिएगा। पहले वाले के नीचे ये वाला नोट करिएगा और दूसरे वाले के नीचे आप ये दूसरा वाला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि किसमें क्या प्रभाव पड़ता है आपके डेप्रिसिएशन का। बात समझ में आ गई भैया? अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद आपके मन में जो भी कुछ डाउट है बचा कुचा वो हम अभी आपका ख़त्म करा देंगे। चलिए जल्दी से नोट करिए और नोट करने के बाद मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका एक्स लिमिटेड, आप लोग नोट करते रहिए, बाकी मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। एक्स लिमिटेड परचेज अ सेकेंड हैंड प्लांट 1 अप्रैल 2008 को, 1 अप्रैल 2008 को इन्होंने सेकेंड हैंड प्लांट परचेज किया है 4 लाख रुपए का और इस पे इन्होंने 80,000 रुपया इमीडिएटली स्पेंड किया है फॉर द ओवरहॉलिंग और 20,000 रुपया और इन्होंने खर्च किया है फॉर द इंस्टॉलेशन। अच्छा, इन सबको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है भैया। चलिए देखेंगे, तो आपने 1 अप्रैल 2000 हो गया ना नोट सबका, ठीक है। 1 अप्रैल 2008 को आपने क्या किया कि 4 लाख का एक प्लांट खरीदा सेकेंड हैंड, 80,000 आपने ओवरहॉलिंग करवाया और 20,000 आपने क्या कराया इस पे इंस्टॉलमेंट कराया, इंस्टॉलेशन कराया। तो टोटल आपने खर्च कितना कर दिया, 5 लाख। टोटल आपने खर्च कितना किया है, 5 लाख। आगे क्वेश्चन कहता है कि 1 अक्टूबर 2011 प्लांट वॉज डिस्ट्रॉय एंड सोल्ड ₹2 लाख। आपने 1 अक्टूबर 2016-11 को प्लांट को कितने रुपए में बेच दिया बेटा, 2 लाख रुपए में बेच दिया आपने। डेप्रिसिएशन जो हमें चार्ज करना है वो है आपका 10% पर एनम, वो भी किस कॉस्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। अच्छा, अगर शब्द ओरिजिनल कॉस्ट का आ जाए तो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, SLM मेथड या WDV मेथड? SLM मेथड। अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि प्रिपेयर द मशीन अकाउंट, पहला पॉइंट आप लोग लिखिए, प्रिपेयर द मशीन अकाउंट, पहला पॉइंट, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेड, और दूसरा, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेड। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेड, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लेंगे। जल्दी से डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करिए और कितना आएगा बताइए जरा मुझे। हर साल का तो सेम ही रहेगा ना, हाँ भाई, डेप्रिसिएशन तो हर साल का सेम रहेगा। तो 5 लाख का अगर 10% हमने निकाला तो कितना आएगा,
5 लाख का अगर हमने 10% निकाला तो कितना आएगा आपका? 50,000 ना, यानी डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका? 50,000। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब आपको दो मशीन अकाउंट बनाने हैं, आमने सामने ही मैं बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि अंतर क्या चल रहा है, ठीक है? तो पहले मुझे बनाने दीजिए और फिर उसके बाद आप बनाइएगा। When provision for depreciation is made, when provision for depreciation is made, और दूसरा when provision for depreciation is not made। अच्छा एक चीज और सुनिएगा, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा ना, जब आप इस रूल को फॉलो कर रहे हो, कौन सा रूल? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला, इसका मतलब आपको एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है आपका? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी आप एसेट्स अकाउंट तो बनाओगे ही बनाओगे, साथ ही साथ आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्या करोगे बाबू? बनाओगे। क्लियर हो गया? तो पहला वाला क्या है? नॉट मेड। नॉट मेड वाले में आप सीधा पोस्टिंग शुरू करिए, पर्टिकुलर डेट हो गया हमारा, ये पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट हो गया, फिर डेट हो गया, और फिर आपका क्या हो गया? अमाउंट हो गया। और यहाँ पे क्या है आपका? मेड। पहले अभी एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं हम, ये हो गया हमारा डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, और ये फिर आपका अमाउंट, ठीक है? चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले कौन सा करें, मेड या नॉट मेड? पहले नॉट मेड करते हैं, ठीक है? छोटा सा रहेगा। तो 1 अप्रैल 2000 कब खरीदा था आपने? 8 को, 1 अप्रैल 2008। टू बैंक, कितने रुपए से? 5 लाख से। और बाई डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा? 31/3/9 को ना। तो बाई डेप्रिसिएशन कितना? 50,000। बाई डेप्रिसिएशन आपका कितना? 50,000, ठीक है? चलिए बैलेंस सीडी बताएंगे इसी डेट को। बैलेंस सीडी कितना? 4,50,000। पहला साल हमारा बनकर तैयार। एक ट्रांसफर करिए 1/4/2009 टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस क्या आपका? बीडी कितना? 4,50,000। उसके बाद 31/3/2010 बेचा कब है आपने? 11 में ना, ठीक है? तो अभी बाई डेप्रिसिएशन कितना आपका? 50,000। फिर बाई बैलेंस सीडी कितना आपका? 4 लाख। यहाँ बैलेंस कितना आएगा आपका? 4,50,000 यहाँ पे और 4,50,000 आपका यहाँ पे, ठीक है? ओके, फिर अगला ट्रांसफर करिए जल्दी से। 1/4/2010 टू बैलेंस बीडी कितना? 4 लाख। उसके बाद अगला डेट कब आएगा डेप्रिसिएशन वाला? 31/3/2011। आपने 1 अक्टूबर को बेचा है ना, 1 अक्टूबर 2011, यानी तीसरे साल या चौथे साल? चौथे साल आएगा। तीसरे साल में तो डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना ही करना है।
चलिए जल्दी से पोस्टिंग करते हैं, कितना आएगा यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन 50,000 और फिर आपका बाय बैलेंस सीडी कितना बाबू 350,000, 4,00,000 यहाँ पे और आपका 4,00,000 यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब अगले साल ट्रांसफ़र करिए, 1/4/2011 टू बैलेंस बीडी। अच्छा आपने कब बेचा है, कितने महीने बाद, 1 अक्टूबर को बेचा है ना, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर तो जाएगा नहीं, 6 महीना, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा आपका, 1 अक्टूबर 2011, बताइए भैया कितना रुपए का डेप्रिसिएशन होगा बाय डेप्रिसिएशन। साल भर का डेप्रिसिएशन 50,000 है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा आपका, उसके बाद बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, सीडी आएगा क्या, नहीं सर सीडी नहीं आएगा क्योंकि आपने इसको बेचा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाय बैंक, कितने का बेचा है आपने, 2,00,000 रुपए का शायद, 2,00,000 रुपए का, राइट। तो बेटा जरा बताओ मुझे आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑब्वियसली लॉस हुआ है, 4,00,000 का था, 25,000 डेप्रिसिएशन काटा, 3,75,000 बचा, 3,75,000 का प्लांट था उसको आपने 2,00,000 में बेच दिया, तो आपको लॉस हुआ कि नहीं हुआ, कितने का लॉस हुआ, 1,75,000 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया बाय लॉस ऑन सेल, 1,75,000 रुपया, और आपका यहाँ पे अकाउंट हो गया बराबर। तो ये तो कहानी थी जब आप प्रोविज़न नहीं बना रहे थे, ये उस समय की कहानी है जब आप प्रोविज़न नहीं बना रहे थे। लेकिन सर अगर क्या हम प्रोविज़न बना रहे होंगे तो क्या फिगर में कोई चेंजेस आएगा, बेटा फिगर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस आपके प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो तरीका आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आपके किसका तरीका, प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो तरीका आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया, अब कैसे चेंज होगा वो हम देख लेते हैं। तो अब आप क्या बनाने जा रहे हो कि प्रोविज़न, सर अब हम बना रहे हैं यानी प्रोविज़न के थ्रू अब हम जा रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप प्रोविज़न के थ्रू जाएंगे तो आपको एसेट्स अकाउंट तो बनाना ही बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, यानी एक अकाउंट नहीं बनाना है आपको कितने अकाउंट बनाने हैं, 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पहला अकाउंट आपका तो प्लांट का रहेगा, ठीक है, दूसरा अकाउंट आपका कौन सा रहेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। अच्छा एक बात बताइए, जो चीज़ आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो हो रही है उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, जो चीज़ बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो हो रही है उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, कितने लोग कह रहे हैं सर डेबिट होगा, हाथ उठाइए प्लीज़। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं सर बैलेंस क्रेडिट होगा, ठीक है, जिन लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया कोई बात नहीं बेटा, मैं जान गया कि आप लोग क्या हैं, मैं इसके आगे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। आइए देखते हैं,
ट्रांसफर करिए 1 अप्रैल 2008 टू बैंक, कितने से आपका 5 लाख से। जब आप प्रोविजन बनाएंगे, मैंने क्या कहा कि आपको डेप्रिसिएशन नहीं शो करना है आपके एसेट्स अकाउंट में, इसका मतलब जो आपका ओपनिंग है वही आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी और कितना 5 लाख, जो आपका ओपनिंग है वही आपका क्या है, क्लोजिंग रहेगा। ठीक है, अब जो आपका प्रोविजन है, जो आपका क्या है, प्रोविजन है भाई, आपने एंट्री किया है ना। जब प्रोविजन हम क्या करते हैं, प्रोविजन में ट्रांसफर करते हैं, और क्या ट्रांसफर करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो आपने क्या एंट्री किया है, आपने एंट्री किया है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। भाई जब आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं, जब आप प्रोविजन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो आप क्या एंट्री करते हो जरा बताओ मुझे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी लिखाया है आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखिए आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो, तो डेप्रिसिएशन वहां पे डेबिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 31/3/2009। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट और कितने से 50,000, और यही आपका क्या निकल के आ जाएगा, सीडी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा भैया, सीडी, यानी 31/3/2009 टू बैलेंस सीडी कितना 50,000, अकाउंट यहीं पे बनकर रेडी हो गया भैया। ए विपुल सर को बुला लो, कह दो दो लोग आए हैं। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे, तो पहला साल हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब बारी दूसरे साल की, दूसरे साल में क्या करेंगे सर, भाई जो आपका सीडी था उसको ट्रांसफर करिए 1/4/2009 टू बैलेंस बीडी कितना 5 लाख, और फिर 31/3/2010 बाय बैलेंस सीडी बेटा कितना 5 लाख। लीजिए दूसरे साल का भी बनकर तैयार। अच्छा तीसरा साल भी बना ले यहीं पे, चलो बना लो लगे हाथ, 1/4/2010 टू बैलेंस बीडी 5 लाख, और यहाँ पे 31/3/2011 बाय बैलेंस सीडी 5 लाख। चलिए ठीक है, जल्दी से प्रोविजन वाला देखेंगे। यहां पे कब एंट्री होगी बेटा, 31/3/2010 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से 50,000 से, उससे पहले जो आपका सीडी है उसको ट्रांसफर नहीं करोगे क्या आप लोग, बीडी में ट्रांसफर करिए 50,000, और फिर उसके बाद, और ये डेट क्या होगी आपकी, 1/4/2009, और फिर उसके बाद 31/3/2010 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और कितने रुपए से बेटा 50,000 से। इस बार का आपका सीडी कितना आ जाएगा, 31/3/2010 में इस बार सीडी कितना आएगा
पचास पचास जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 लाख। दूसरे साल का हमारा सीडी बनकर तैयार। चलिए तीसरा साल क्या होगा, कब से स्टार्ट होगा, 1/4/2010 बाई बैलेंस बीडी कितना, 1 लाख। और डेप्रिसिएशन कब आएगा, 31/3/2010 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 50,000। और जल्दी से सीडी बताएंगे, टू बैलेंस सीडी कितना आएगा बेटे, 1,50,000। तीसरे साल का हमारा डाटा बनकर तैयार। अब देखो चौथे साल में भी आपको कुछ पोस्टिंग करनी है, लेकिन कितने महीने की पोस्टिंग, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की पोस्टिंग। कितने महीने की पोस्टिंग, 6 महीने की। आइए देखते हैं, देखिए जरा ध्यान से, ट्रांसफर करिए पहले 1/4/2011 बाई बैलेंस बीडी कितना, 1,50,000। और 1 अक्टूबर 2011 बाई डेप्रिसिएशन कितना महीना बेटा, 25,000 का ना, सॉरी कितना अमाउंट, कितना आपका, 25,000 का। सही है कि गलत है। अब देखिए इस बार आपका सीडी नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने 1 अक्टूबर को एसेट्स अपनी बेच दी है। तो जब भी आपकी एसेट्स बेची जाएगी, जब भी आपकी एसेट्स बेची जाएगी, जो आपके प्रोविजन का बैलेंस है, क्या बोला मैंने, जो हमारे प्रोविजन का बैलेंस है, तो पूरा का पूरा एसेट्स अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब इसका क्या है, हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन बनाया, ओ हाँ, हमने इस डेप्रिसिएशन को प्रोविजन में ट्रांसफर किया। हमने इस डेप्रिसिएशन को किस में ट्रांसफर किया, प्रोविजन में ट्रांसफर किया, बोलो हाँ। अब जब एसेट्स सोल्ड होगी, जब एसेट्स क्या होगी बेटा, तो इस प्रोविजन के सारे बैलेंस को हम किस में ट्रांसफर करेंगे, आपके एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और इसकी एंट्री क्या होगी बताओ, मैंने आखिरी एंट्री क्या लिखवाई है, जब आप एसेट्स को बेचते हैं क्या एंट्री लिखवाई है, मैंने क्या एंट्री अभी अभी लिखवाई है बताइए भैया। मैंने एंट्री लिखाई है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यानी यहां पे एसेट्स अगर क्रेडिट है तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेजर में आपके डेबिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप यहां पे क्या एंट्री करोगे, देखो 1 अक्टूबर 2011 को क्या लिखोगे, टू एसेट्स अकाउंट, और कितना रुपया, 1,75,000 रुपया। 1 लाख कितना, 1,75,000 रुपया। आपका इधर प्रोविजन वाला अकाउंट क्या हो गया, बनकर तैयार। अब एसेट्स अकाउंट को देखो जरा, आपने एंट्री क्या किया था, आपने एंट्री किया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, सही है। और जब आप एसेट्स अकाउंट बनाओगे तो प्रोविजन किस साइड जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, प्रोविजन आपका किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा ना, किस साइड जाएगा आपका, क्रेडिट साइड। पहले इसको ट्रांसफर करिए आप, पहले ट्रांसफर करिए 1/4/2011 टू बैलेंस बीडी कितना बाबू, 5 लाख। और फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 2011
आप प्रोविजन ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या लिख दिया जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और कितना रुपए आप ट्रांसफर कर रहे हो एसेट्स अकाउंट में बताओ जरा, ये रहा ना कितना, 175,000। तो यहाँ पे आप ट्रांसफर करो 175,000। उसके बाद आपने कुछ बेचा भी है इसमें, कितने का बेचा है, 2,00,000 का। अब चेक करो 5,00,000 का था, 175,000 आपका प्रोविज़न निकल गया, कितना बचा बताइए, कितना बचा, 5,00,000 का था, 175,000 प्रोविज़न निकल गया, तो 3,25,000 बचा कि नहीं बचा है। और फिर उसके बाद 3,00,000 की एसेट्स थी, आपने 2,00,000 में बेच दिया, 3,25,000 की एसेट्स थी, आपने उसको 2,00,000 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ, 1,25,000 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई लॉस ऑन सेल। और अब देखिए इधर भी 5,00,000 आ गया आपका, और इधर भी आपका 5,00,000 आ गया। देखो जो आखिरी में रिजल्ट आएगा, चाहे आप प्रोविजन बनाओ या चाहे आप प्रोविजन ना बनाओ, आखिरी का जो रिजल्ट रहेगा वो सेम टू सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी लॉस कितना आ रहा है, 1,25,000 आ रहा है ना, जरा इस वाले में चेक करिए यहाँ पे लॉस कितना आ रहा है, माइनस करने पे कितना आ रहा था मेरा, एक मिनट, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1,25,000 और 1,00,000 यहाँ पे 75,000, एक मिनट चेक करने दो, 5,00,000 माइनस 1,75,000 माइनस 2,00,000, 1,25,000 यहाँ पे आ गया, 4,00,000 माइनस 25,000, 3,75,000 माइनस 2,00,000, कैलकुलेशन का मिस्टेक दिख रहा है एक मिनट को, 5,50,000 घटा 4,50,000 आ गया, 4,50,000 सही है, 4,00,000 आ गया ये भी सही है, 50,000 घटाया, अरे यार ये देखो यहाँ पे बैलेंस सीडी 3,50,000 होगा, मैंने 4,00,000 लिखा है, यहाँ पे बैलेंस सीडी 3,50,000 का आएगा, ठीक है। अरे ये बैलेंस सीडी यहाँ उतरेगी ना 3,50,000 में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉस कितने का आ जाएगा, 1,25,000 का ही लॉस आएगा, करके देख लीजिए, 3,50,000 माइनस 25,000 माइनस 2,00,000, 1,25,000 सिर्फ आपके प्रेजेंटेशन का ही डिफरेंस रहेगा, बाकी आपके नेट रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो प्रॉफिट जो लॉस प्रोविजन में आ रहा है, प्रोविजन बनाने में आ रहा है, वही प्रॉफिट और लॉस आप प्रोविजन नहीं भी बनाओगे तो भी उतना ही आएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट क्लियर हो गया, तो एक बार फिर से देख लो आप, अगर आपने प्रोविजन बनाया तो आप क्या करोगे कि आप एस प्लांट को या एसेट्स को जो उनका ओरिजिनल कॉस्ट है उसी कॉस्ट पे दिखाओगे, और आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है आपका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट रहेगा। और इसमें आपको जो डेप्रिसिएशन हर साल आप चार्ज कर रहे हो उसको आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना रहेगा, ट्रांसफ़र करना रहेगा। और आखिरी में जब आप एसेट्स को बेचोगे या एसेट्स आपकी डिस्पोज हो जाएगी, तो फिर जो भी आपके प्रोविज़न का बैलेंस रहेगा वो प्रोविज़न का पूरा बैलेंस ओवरऑल वो सारा का सारा किस में भेज देंगे, हम उसके पर्टिकुलर एसेट्स के बैलेंस में भेज देंगे। दो जर्नल एंट्री जो मैंने लिखाई है वो दो जर्नल एंट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। पहली, जब आप डेप्रिसिएशन अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में, और दूसरी एंट्री जब आप एसेट्स को क्या कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, तो उसमें आप क्या करोगे कि जो प्रोविज़न का बैलेंस है वो आप किस में ट्रांसफ़र करोगे, आपके एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। इतना पॉइंट समझ में आ गया, अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं जो आपके मन में डाउट आ रहा है।
किसी को कुछ पूछना है? ये पूछना था? अच्छा, ये बताना था, मैंने कहा ये पूछना था। आप यहाँ पे 3,50,000 लिख लीजिए, बस यही पूछना है। ठीक है बेटा, आप पूछिए, नहीं तो फिर अब हम सवाल पूछेंगे कुछ देर में।